हेलो गाइस, मेंशन ब्लॉग में आपका स्वागत। मैं मनीष कुमार दास लेके आ चुके हैं नया वीडियो। तो हम आए हैं, देख रहे हैं, सरे में हैं, घूम रहे हैं और मेरे साथ है मित्र। तो हम एक ऐसा जगह पे आए हैं जो आपको दिखाएंगे। चलिए आपको दिखाते हैं। जैसे दिख रहे हैं कितना भयंकर अद्भुत है। तो करीब से आपको चलने के चल के और दिखाते हैं आपको। तो आप देखिए कितना भयंकर अद्भुत पेड़ है। यहाँ पे है पीपल का पेड़ है। देखिए यहाँ पे कितना अद्भुत और कितना भयंकर पेड़ है पीपल का। कितना बड़ा है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे स्थान है का नाम है। यहाँ पे जो भी पुकारते हैं सफी देवी के नाम से जाना जाता है। अगर आप आते हैं यहाँ पे सच्चा मन से और सच्चा दिल से कुछ भी मांगेगा तो वो पूरा हो जाएगा। बहुत भव्य पेड़ है जो देखिए, न जाने कितना बरस पुराना पेड़ है जब मैं दिखा रहा हूँ। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे कैसे पूरा डंगी नीचे चारों तरफ से ज़मीन में टच है, देखिए, और फिर ऊपर उठा हुआ है। देखिए कैसे है और चारों तरफ से है। देखिए कैसे ज़मीन पकड़ रखा है, जो शायद कभी ना गिर पाएगा। कितना भी आंधी पानी दाहर कुछ भी आ जाए नहीं गिर पाएगा। देखिए कैसे टच है ज़मीन से, आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे टच है। कितना बड़ा और कितना भव्य है पेड़ जो आप देख रहे हैं। और यहाँ पे कल है, जो भी यात्री आते हैं यहाँ पे अपना पानी वानी या प्रसाद उसाद। देखिए यहाँ पे छोटा सा मंदिर है, कितना खूबसूरत है। और यहाँ पे तो बाबा एक यहीं पे रहते हैं, छोटा सा मरिया है। देखते हैं और एक चीज और बता रहे हैं, यहाँ पे पूरा बीच मतलब सरे में है। यहाँ पे आसपास में एक भी घर नहीं है। थोड़ा मतलब लगभग 4 किलोमीटर, लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है यहाँ से घर। यहाँ से लगभग और उस तरफ भी और इस तरफ भी 3-4 किलोमीटर का फासला है, तो जगह आपको बीच में घर मिल पाएगा। और उस बीच में अद्भुत पेड़, बहुत बड़ा भयंकर जो देखिए, इतना बड़ा है, कितना अद्भुत है। और एक चीज़ और भी दिखा रहा है, उसमें नीम का पेड़ है जो देखिए बीच में से निकला हुआ है। पता ना कैसे निकला हुआ है तो बता नहीं सकते। नीम का बीच में से निकला हुआ है। तो यहाँ पे बैठने के लिए बना हुआ है एक छोटा सा जगह है। यहाँ स्थान पे जो भी आते हैं यहाँ पे थोड़ा आराम उराम करते हैं तो यहीं पे बैठते हैं। देखिए यहाँ पे लाइट उट भी लगा हुआ है।